सो व्हाट्स अप गाइस, ठग बाय हियर। तो आज हम बात करते हैं एल्विस शैडो के बारे में। तो एल्विस शैडो के साथ एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ। एल्विस शैडो अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताए कि उनको रास्ते पे एक इंसान मिला था जो कि बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। शायद वो इंसान मेंटली डिस्टर्ब था या फिर ड्रंक था। मैं आपको उस वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखो। क्या दिक्कत हो गई तुमको? मेरी मैडम नहीं मिल रही है। मैडम नहीं मिल रही मेरी। क्या हो गया, कहाँ चली गई मैडम तुम्हारी? पता नहीं कहाँ, किसी दूसरे से अफेयर है। दानिश नाम है उस बंदे का। भाई तुम क्या बोल रहे हो ये सब यार? हाँ सर, मेरे साथ चल गया ना। तुमने इस टाइम कुछ कर रखा है क्या? नहीं, दारू भी रखी तुमने? नो नो। तुम पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं जा रहे? क्या नाम है तुम्हारा? वाले बाहर निकाल दिए। मेरा सुशील नाम है। सुशील नाम है? अभी तुम मेरे को कह रहे हो तुम्हारी बेगम नहीं मिल रही? हाँ हाँ, तो मेरा आज निकाह हुआ है, आज स्वागत है मेरा। तुम क्या बोल रहे हो यार? हाँ सर, जी सर। भाई तुम सुशील हो, तुम्हारा निकाह कैसे हो सकता है यार? सर आज होना था, सर आज होना था। तुम्हारा असली नाम क्या है? हिंदू हो तुम? क्या हो तुम्हारा? सुशील, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम के साथ रह रहा था 6 साल से। तो आज तुम्हारी शादी होनी थी जी, और तुम्हारी वो कहाँ गई वाइफ? वाइफ है तो तुम्हें क्या चाहिए फिर? मैं वो आज मेरे को सलामी वो परिवर्तन करना है। भाई तुम क्या बोल रहे हो ये? सर एक बात है, जो पहले मैं हिंदू में था ठीक है, और जो मेरी इसके साथ चल रहा था ना फिर वो मैडम मेरी उसके साथ चली गई, दानिश बंदे के साथ। तो गाइस अब बात करते हैं क्रेजी डीप के बारे में। तो क्रेजी डीप ने ध्रुव राठे को एक्सपोज कर दिया। यस, क्रेजी डीप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए थे जहां पर वो ध्रुव राठे को एक्सपोज करते हैं। मैं आपको उस वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखो। सोशल मीडिया के ऊपर दो तरीके की ऑडियंस है, पहली जिनको समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है, और दूसरी ध्रुव राठे की ऑडियंस जिन लोगों को लगता है कि ध्रुव भैया तो काफी अनबायस्ड है और एकदम फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, हमारे देश को सुधार देंगे वो। तो मेरे प्यारे जर्मन कुत्ते, आई मीन मेरे प्यारे ध्रुव भैया, तो मैं वीडियो को बहुत ही गर्म करूं, फैक्ट्स लॉजिक और वीडियो दिखाऊं, उसके पहले कुछ जोक्स हो जाए। ध्रुव राठी इज लाइक निक फ्यूरी ऑफ यूट्यूब यूनिवर्स, जिसको नहीं पता ये बंदा, क्योंकि ध्रुव राठी को भी सिर्फ एक साइड की चीजें दिखती है। ऑल्सो क्योंकि निक फ्यूरी भी बस बातें ही करता है, काम धंधे नहीं। जैसे IPL के अंदर प्लेयर की जर्सी के ऊपर हर स्पोर्ट का प्राइस अलग अलग तरीके से फिक्स होता है, जैसे कि वैसे ही ध्रुव राठी की वीडियो के अंदर हर सेगमेंट का प्राइस फिक्स है। तुम्हें जितनी चटाई करवानी है उतना पैसा दे दो। एक क्या है यार ये, एक तो इसकी इंटेलेक्चुअल लोग बोलते हैं इसको, भाई मोदी ने इसको फॉलो किया था, मोदी ने ये ट्वीट किया था, इन दोनों से प्रूव होता है कि हमारा देश डिक्टेटरशिप का शिकार हो चुका है। भैया इस लॉजिक के हिसाब से ना, इस तरीके के कंसेप्ट के हिसाब से मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि जेठालाल भी तानाशाही करता है। तो गाइस अब बात करते हैं ध्रुव राठे के बारे में। तो ध्रुव राठे ने फिर से एक बार मोदी जी को एक्सपोज कर दिया। इस बार ध्रुव राठे ने मोदी जी के एक स्पीच को एक्सपोज किया है, वो क्या कहे ना आप खुद देखो। झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश की। मोदी जी के नेतृत्व में 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। इससे एक ही चीज पता लगती है, ये देश की जनता को आप लोगों को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। तो गाइस अब बात करते हैं थाराभाई जोगिंदर वर्सेस रजत दलाल के बारे में। तो थाराभाई जोगिंदर रजत दलाल के ऊपर बहुत गुस्सा है। रजत दलाल अपने व्लॉग में थाराभाई जोगिंदर को कुछ बोल दिए थे, तो इसी वजह से थाराभाई जोगिंदर बहुत गुस्सा हो गए। पहले मैं आपको रजत दलाल का क्लिप दिखा देता हूँ, उसके बाद थाराभाई जोगिंदर क्या रिप्लाई देते हैं आप देखो। अब जैसे तुम्हारे थाराभाई पंचर जोगिंदर ने ये पंचर तो लगा दिए, रोएगा क्यों बैठ गया? ये कसने कैसे हैं जैसे? एक वीडियो देखिया मैंने, एक पंचर लगाने वाला अपनी गाड़ी में पंचर लगा रहा है सड़क के साइड में खड़ा होके,
और मेरा नाम लेता है और ऊपर से मेरे को गाली देता है। मैं उस भाई को एक बात बोलना चाहता हूं, तू किसी को भी गाली दे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर आज के बाद थारा भाई जोगिंदर को बड़े सोच समझ के गाली देना, समझ गया? अबे तू मेरे को खाने को दे रहा है क्या है? अबे जानता है क्या जोगिंदर कौन है? बच्चों को डराना जो ये घूमते हैं, जोगिंदर के साथ मत भिड़ना गलती से भी, समझ गया? ये अपना सिस्टम किसी और को जाके दिखा, जोगिंदर चलता फिरता सिस्टम है, डेड लिफ्ट मारने से बॉडी बिल्डर नहीं बन जाते, बुद्धि भी होनी चाहिए जो तेरे पास नहीं है, औकात में काम डाउन ब्रदर। तो गाइस अब बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी एक सॉन्ग के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। यस, आपको बदो बदी वाला सॉन्ग तो पता होगा जो अभी के टाइम पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो आशीष चंचलानी इसी सॉन्ग पर फ्रस्ट्रेट हो गए, वो इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट किए थे, आप देखो। बस हुआ नहीं, बहुत हो रहा है अभी, नहीं बस, मेरा ना अभी पारा चढ़ रहा है, अभी मैं नहीं सहन करने वाला और नहीं सहन करने वाला। अगर मेरे सामने किसी ने एक और बार आए हाय ओए होए बदो बद, नहीं सुनना है मेरे को, नहीं सुनना, नहीं नहीं मत गाओ, नहीं है कूल, नहीं है आके बस आए हाय, नहीं। अगर मेरे सामने किसी ने गाना गाया चप्पल उतार के मारूंगा, आए हाय अरे बाके। तो गाइस अब बात करते हैं थगेश के बारे में। तो थगेश ने लफड़ा सेंट्रल के थर्ड एपिसोड के गेस्ट को रिवील कर दिया। यस, वो अपने इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट किए थे, आप देखो। व्हाट राइट यार, नहीं मिल रहा, टिकट फुल है, थक गया, कोल्ड ड्रिंक ना बड़ा। कोल्ड ड्रिंक तो खत्म हो गया, इतना बड़ा बॉटल पूरा पी लिया। अब एक्चुअली चल के जाते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, साथ ही थग भाई को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पर आपको YouTube कम्युनिटी से जुड़े इंटरेस्टिंग न्यूज मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।